एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, मैं शिल्पी त्रिपाठी एबीपीएस के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे गांव के विकास और पंचायत को लेकर कि गांव में लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और जिसका निराकरण कैसे हो सकता है, अगर इस बात को विधायक जी विधानसभा तक लेकर जाएंगे। आइए बात करते हैं अयोध्या से भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी से। विधायक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। विधायक जी, ये बताइए कि आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या विकास कर रहे हैं। देखिए, मैं मुझे सौभाग्य मिला है यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, कि उनके उन्होंने मुझे इस योग समझा और अयोध्या से मौका दिया और वहाँ की महान जनता, अयोध्या के संत महंतों को सबको मैं बहुत उनका धन्यवाद और उनकी कृपा से मुझे अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगरी की प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं अयोध्या से जनसेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या के पौराणिक महत्व को वापस लाने के लिए, अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को वापस लौटाने के लिए और अयोध्या के को पर्यटन की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव के माध्यम से पूरी दुनिया ने अयोध्या को जाना और अयोध्या के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और लगा कि अयोध्या में कितना महत्वपूर्ण है। पूरी विश्व ने उस दीपोत्सव को सराहा। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ही कृपा थी और निश्चित रूप से अयोध्या विश्व के पटल पर स्थापित होने के कदम रास्ते में आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से अयोध्या के सौंदर्यकरण के लिए, अयोध्या के घाटों के लिए, अयोध्या के जो राम की पैड़ी है उसको हर की पैड़ी की तरह अविरल जल प्रवाह हो, इस तरह की तमाम योजनाएं, पार्कों का सौंदर्यकरण है, अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हों, वहाँ के जो मेले हैं उनको व्यवस्थित किया जाए, ये सब कार्य चल रहे हैं। अभी दीपावली के दीपोत्सव के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 133 करोड़ की योजनाओं का अयोध्या का शिलान्यास किया है। अब देखिए, पिछली सरकारों की हालत ये थी कि 15-20 वर्षों में जो दोनों दलों की सरकारें थी, सपा और बसपा की, इन लोगों ने अयोध्या के नाम पर जैसा लगता था इनको कुछ अयोध्या के नाम से ही एक इनको घबराहट होने लगती थी। वहाँ एक बस स्टैंड जैसा जो आम जनता के नागरिक की सुविधा के लिए था वो भी इन लोगों ने नहीं बना पाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दीपावली पर अयोध्या के बस स्टैंड के लिए हाईवे पर शिलान्यास किया है। इस प्रकार से तमाम उन योजनाओं का जो पिछले 20-25 सालों से पड़ी थी उनको अयोध्या में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या आगे बढ़ रही है, पर्यटन के रूप में विकसित होने का काम हो रहा है। अयोध्या को पर्यटन के दृष्टि से हवाई सेवा से भी जोड़ने का आगे योजना है और इस प्रकार से मुझे लगता है कि फैजाबाद में हमारे, क्योंकि ऐतिहासिक पौराणिक नगरी है नवाबों के और अयोध्या की जो पुराने मोनूमेंट्स हैं, हमारे यहाँ गुलाबबाड़ी है, वो बेगम का मकबरा है, गुप्तार घाट है जहाँ भगवान राम माना जाता है गुप्त हुए थे, उन्होंने जल समाधि ली थी, इन सब पौराणिक स्थलों का और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार और उनको सुंदर बनाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि पार्कों का सौंदर्यीकरण और ये जो बस अड्डों की जो बात कही आपने, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी गांव के जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उसमें बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ाई करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली, मैं वही अभी बात कह रहा था कि जो पिछली सरकारें थी 20 वर्षों में और केंद्र में 50 वर्ष कांग्रेस ने राज किया है, इन्होंने बेवकूफ बनाकर वोट की राजनीति की है। ग्रामीण क्षेत्रों में दो पिछली सरकारों ने दो विभागों में, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, दोनों में जनता के साथ खिलवाड़ किया है। हमारी सरकार बनने के बाद में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों को बेसिक शिक्षा में, बच्चों को सुंदर ड्रेस, पहले पिछली सरकारों ने ड्रेस तो दी थी लेकिन होमगार्ड वाली खाकी वर्दी की ड्रेस दी थी जिससे बच्चे पहनने में भी शर्माते थे, सुंदर ड्रेस दी है बच्चों को, जूते, मोजे, बस्ता, किताबें और अभी जाड़े में स्वेटर भी देने का काम हुआ है। इस प्रकार से अच्छा माहौल शिक्षा का बनाने का प्रयास किया है। टीचर्स विहीन थे, पूरे बेसिक शिक्षा के जितने स्कूल थे वहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं थी। बड़ा पिछली सरकारों ने बड़ा अनर्थ किया है लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के
नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है और छोटे बच्चों को बेसिक, क्योंकि वो बच्चे इस देश की नींव है, पत्थर की नींव है, उनके ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी होनी है, इमारत देश की खड़ी होनी है, इसलिए निश्चित रूप से उनको अच्छा वातावरण मिले, उनको सुरक्षा मिले और उनको पढ़ाई, अच्छे स्तर की पढ़ाई हो जिससे वो आगे चल के देश को आगे ले जा सके, निश्चित रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। वो तो आपके बात सही है कि बच्चों को स्कूल में जो ड्रेस दान मतलब ड्रेस दी गई है, स्वेटर दिया गया है, वो सब तो बात ठीक है, लेकिन बच्चे जो जमीन में बैठ के पढ़ाई करते हैं और जो स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी, इस पर सरकार क्या कर रही है? इस बजट में जो है हम लोगों ने इस बजट में दे दिया है हर स्कूल के अंदर फर्नीचर दिए जाएंगे, अब ताट पट्टी पे बैठने का काम समाप्त होगा और बेसिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता थी वो हम लोग कर रहे हैं और बच्चों को वो सब सुविधाएं, वहाँ पर एक अच्छा टॉयलेट हो बच्चों के लिए और बच्चों को किचन में सफाई हो, जहाँ उनको मिड डे मील मिलता है, इस प्रकार से इन सब व्यवस्थाओं को हम लोग करने जा रहे हैं। गैस कनेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया आदेश किया है कि उन सब स्कूलों में बच्चों को जो खाना बनता है वो अब चूल्हे पर नहीं बनेगा, वो गैस पर बनेगा, उनको गैस दी जाएगी स्कूलों में, तो इस प्रकार से वो सब व्यवस्थाएं हम लोग करने का प्रयास करें, जो बिगड़ी व्यवस्था थी उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकार उन्होंने जो गड्ढे कर दिए थे उनको भरकर उसमें इमारत अच्छी खड़ी करने का हम लोगों का प्रयास है। जैसे आपने बात की स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की बात करें तो जो गांव में जो अस्पताल हैं उसमें डॉक्टर नहीं है, क्या डॉक्टर जो गांव के जो शहर के डॉक्टर वो गांव जाना नहीं चाहते या इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है? देखिए सरकार, हमारी सरकार को बने हुए 11 महीने हुए, तब से निरंतर इस पर ध्यान दिया जा रहा है। पीएससी में डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सें नहीं थी और व्यवस्थाएं नहीं ठीक थी, क्योंकि पिछली सरकार है तो उनको केवल लूटपाट भ्रष्टाचार से मतलब था, वहाँ पर कोई जमीनी स्तर पर काम और जनता की सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया। हम लोग अब पीएससी सेंटर्स पर सब व्यवस्थाएं बना रहे हैं, डॉक्टर संविदा में भर्ती किए जा रहे हैं, इसीलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने डॉक्टर्स की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 65 की है कि जिससे हम लोगों को डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो जाए और हम हर पीएससी पर कम से कम एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर और स्पेशलाइजेशन डॉक्टर जो है, स्पेशलाइज डॉक्टरों को हम दे सकें, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले एक वर्ष के अंदर हर पीएससी पर, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी। जैसे जो योजना चली थी मनरेगा योजना, उसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, उसमें जो मजदूर काम करता है उसको 175 रुपए दिए जाते हैं दिन में, लेकिन वही मजदूर अगर प्राइवेट काम करने के लिए जाता है तो 300 या 350 रुपए दिए जाते हैं, ऐसे में जो मजदूर है वो अपने घर का जो पलायन है वो खुशहाल कैसे कर सकता है, ये बताइए। देखिए मनरेगा में भी जो दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी का सफिशियंट है, शहरी क्षेत्र में तो ठीक है मजदूरी का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी, और आगे इस पर विचार होगा, सरकार को अब काम करने का मौका मिल रहा है, हमको तो खाली खजाना मिला था और हम लोगों ने अपने स्रोतों से उसको पूरा करने का प्रयास किया, आगे हम लोग चाहे गरीब मजदूर किसान नौजवान महिलाएं बच्चियां क्षेत्र में समाज में हर वर्ग को के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं और उन सबको, उन सब सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास है जो अब तक उनको नहीं मिली है। जी बहुत सारे गांव में ऐसा है कि प्रधानों का ये कहना है कि जो वो गांव में विकास करना चाहते हैं लेकिन उन तक फंड जो है वो नहीं पहुंच पाता है, इसका कारण क्या है? नहीं फंड तो अब तो सब ऑनलाइन कर रही है हमारी सरकार, कोई भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं है और जो सब काम है वो आरटीजीएस से उनके खाते में पैसा जा रहा है और उसका वो ये जरूर है कि हम महसूस कर रहे हैं कि पिछली सरकारों में चुनाव हुए थे ग्राम प्रधान के, तो कुछ प्रधान इस तरह के बने हैं गांव में जो वो जो भ्रष्टाचार अभी नहीं समाप्त कर पा रहे हैं और जो योजनाएं हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को देना चाहते हैं, विधवाओं को, उनको ईमानदारी के साथ पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे माननीय ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का यह आदेश है कि जो ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सब योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों को मिले, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी ग्रामीण जनता के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? ये तो सरकार किसानों की है, नौजवानों की है, पहला ही फैसला हमारी सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने किया था जो 36,000 करोड़ लघु और सीमांत कृषकों का कर्जा माफ किया जबकि खजाना खाली था, लेकिन हमने अपने खर्चों में कटौती करके इस योजना को सफल बनाया और किसानों के लिए अभी गेहूं की खरीद, पहली बार ऐतिहासिक खरीद गेहूं की प्रदेश में हुई है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की, कम से कम 50 गुना उससे ज्यादा, इसी तरह धान की खरीद हुई है, गन्ने का समर्थन मूल्य मिला है, 4 वर्ष से गन्ने का दाम नहीं बढ़ा था लेकिन हमारी किसान सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किया और कांटे पर जो घटतौली होती थी उसको रोकने का काम किया, किसानों के लिए हमारी सरकार समर्पित है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे, वो किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, हमारी सरकार किसानों के प्रति विशेष
रूप से संवेदनशील है और मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में उनकी आय कैसे दुगनी होगी, ये हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि हम अगले 2022 तक किसान की आय को दुगना करना चाहते हैं और करेंगे और होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये तो थे अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब बड़ी सूझबूझ के साथ दिए। आगे भी हम अन्य जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक शिल्पी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।